हे दोस्तों, इस वीडियो में मैं आप लोगों को एक बहुत ही शानदार सा दुर्गा माता का एक पेंटिंग बनाकर दिखाऊंगा। तो इसीलिए देखिए, मैं सबसे पहले एक फ्री हैंड स्केच बना रहा हूँ दुर्गा माता का, एंड उसके बाद साइड में एक बहुत ही बड़ा साइज का एक शेर भी पेंटिंग करूंगा। तो सबसे पहले हमें बहुत ही अच्छे से स्केच बनाना है, एंड उसके बाद जाके हम कलरिंग स्टार्ट करेंगे। दोस्तों, आज मैं थोड़ा डिफरेंट टाइप का एक पेंटिंग बना रहा हूँ, इसीलिए मुझे पता नहीं कि आप लोगों को ये पेंटिंग कैसे लगेगा। जैसे भी लगे प्लीज़ बताना मुझे कमेंट बॉक्स में कि आपको ये पेंटिंग कैसे लगा। एंड दोस्तों, आपसे एक और रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, बिकॉज आपका एक लाइक मुझे बहुत ही हेल्प करेगा, मोटिवेट करेगा ऐसे ही और पेंटिंग्स बनाने के लिए। और अगर आप इस वीडियो को एक लाइक कर देंगे तो मेरा जो चैनल का रीच बहुत ही डाउन हो गया है वो भी थोड़ा ऊपर चला जाएगा, तो इससे मेरा बहुत ही हेल्प होगा। तो इसीलिए प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मुझे थोड़ा हेल्प कीजिए, इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए ताकि मेरे चैनल का रीच वापस से बढ़ जाए। और कमेंट बॉक्स में एक बहुत ही अच्छा सा कमेंट कर दीजिए इस पेंटिंग के बारे में, या फिर दुर्गा माता के बारे में भी आप एक प्यारा सा कमेंट कर सकते हैं। और दोस्तों, आपसे मेरा एक सवाल है, क्या आप ये बता सकते हैं कि ये जो पेंटिंग मैंने बनाया है, इस पेंटिंग को बनाने में मेरे को कितने टाइम लग गया? अगर आप बता सकते हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। और अगर आप मुझसे जानना चाहते हैं तो आप वीडियो को लास्ट तक देखिए, मैं बताऊंगा, लेकिन वीडियो के लास्ट में बताऊंगा। तो इसीलिए इस वीडियो को एंड तक देखते रहिए, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, ठीक है? तो अब देखिए, मेरा स्केच करना कंप्लीट हो गया है दुर्गा माता का, और जो लायन है पास में बड़ा सा, तो मैं लायन थोड़ा बड़ा बनाऊंगा ताकि देखने में बहुत ही मतलब खतरनाक लगे दिखने में। तो देखिए, साइड में मैं बहुत ही बड़ा सा लायन बना दिया, स्केच कर दिया। एंड ये देखिए, अभी मैं बैकग्राउंड को पेंट कर रहा हूँ, ठीक है? बैकग्राउंड को मैंने स्काई ब्लू कलर, येलो कलर, ठीक है, ये सब कलर से मैं बैकग्राउंड को पेंट कर दिया। उसके बाद देखिए, बैकग्राउंड को पेंट करने के बाद में सबसे पहले जो दुर्गा माता का जो फेस है उसको मैं सबसे पहले पेंट कर दूँगा, ठीक है? अभी ये मैंने ले लिया ब्राउन सियाना कलर, ठीक है? अब इस कलर से मैं दुर्गा माता का फेस, नाक, आँख, लिप्स, ये सब मैं मार्क कर लिया ताकि जब मैं स्किन टोन लगाऊंगा ना, तो उस टाइम पे ये फेस, नाक, लिप्स, ये सब छिप ना जाए अंदर, ठीक है? क्योंकि जब मैं स्किन टोन दूंगा तब हो सकता है कि ये जो आँख है, नाक है, ये सब पूरा ऊपर कवर हो जाए स्किन कलर से, और बाद में मेरे को ना दिखे कि कहाँ पर आँख था, कहाँ पर लिप्स था, कहाँ पर फेस था। तो इसलिए मैंने पहले मार्क कर लिया ब्राउन से अंदर कलर से, उसके बाद देखिए मैं ये स्किन टोन दे रहा हूँ, ठीक है? तो आपने देखा कि मैं स्किन टोन कैसे किया, वाइट कलर, येलो कलर एंड पिंक कलर, पिंक या फिर ऑरेंज, आप दोनों में से कोई भी ले सकते हैं। तो उससे देखिए मैंने स्किन टोन दे दिया, ठीक है, दुर्गा माता का जो फेस है इसका। तो ये हो गया स्किन टोन। स्किन टोन देने के बाद दोबारा से अच्छे से आँख, लिप्स, आईब्रो, ठीक है, ये सब अच्छे से पेंट करना होगा एंड फिनिशिंग करना होगा। तो सबसे पहले मैं दुर्गा माता का जो फेस है उसको पेंट करूँगा, बॉडी को पेंट करूँगा, एंड फिर जाके पीछे जो बड़ा सा लायन है ना उसको मैं पेंट करूँगा, ठीक है? तो दोस्तों देखिए, मैं दुर्गा माता का फेस को तो मैंने पेंट कर दिया, तो अब बारी है दुर्गा माता का जो बॉडी का बाकी पोर्शन है, यानी कि कपड़ा है, गहना है, ब्लाउज़ है, तो ये सब अभी मेरे को पेंट करना होगा, ठीक है? तो ये देखिए, मैं कपड़े को मैं कलर दे रहा हूँ ऑरेंज कलर, ठीक है? तो कपड़े का जो कलर होगा वो होगा ऑरेंज, और जो कपड़े का जो पार है साड़ी का, तो उसमें देखिए मैं दे रहा हूँ ये ब्राउन कलर, और ब्राउन के अंदर मैं थोड़ा सा येलो ऑकर कलर मिला दिया, तो उससे देखिए ये साड़ी का कलर में हो गया। एंड जो ब्लाउज़ है उस पर भी मैं ये येलो ऑकर कलर से मैं पेंट करूँगा, ठीक है? तो साड़ी होगा ऑरेंज कलर का और जो ब्लाउज़ है वो होगा येलो ऑकर कलर का, ठीक है? तो ऐसे ही मैं साड़ी, ब्लाउज़ और जो गहना है, गहने को मैं पेंट करूँगा, ठीक है? उसके बाद जाके पीछे का जो लाइन है बड़ा सा उसको पेंट करूँगा। तो दोस्तों, अगर आप ये जानना चाहते हो कि ये जो मैं कलर यूज़ कर रहा हूँ ये कौन सा कलर है, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कीजिए, बिकॉज डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर
मैंने इस कलर के बारे में एक वीडियो बनाया है, उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर मैंने दे रखा है। तो अगर आप मेरे इस कलर के बारे में जानना चाहते हैं तो वो आप देख सकते हैं, लेकिन मैं फिर भी आपको बता दूँ शॉर्टकट में कि ये जो कलर है ना, ये एक्रेलिक जैसा ही कलर है, लेकिन ये एक्रेलिक कलर नहीं है, इसको कहते हैं फ्यूजन आर्ट कलर, ठीक है। लेकिन इस कलर से जो पेंटिंग करने का तरीका है ना, वो बिल्कुल एक्रेलिक जैसा ही है। तो इसीलिए आप इसके बदले में एक्रेलिक कलर यूज़ कर सकते हैं, या फिर अगर आप इस कलर के बारे में जानना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर जो वीडियो है उसको आप देख सकते हैं, ठीक है। और जो मैं पेंटिंग बोर्ड यूज़ कर रहा हूँ, ये भी मेरा हैंडमेड पेंटिंग बोर्ड है, तो इसके बारे में भी मैंने एक वीडियो बनाया है और उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर मिल जाएगा, आप उसको भी देख सकते हैं, ठीक है। तो देखिए, मैं दुर्गा माता का जो बाकी जो बॉडी है, साड़ी है, गहना है, ब्लाउज़, ये सब मैंने पेंट कर दिया। अभी तो मैं गहना को पेंट कर रहा हूँ, ज्वेलरी, ठीक है। तो ये देखिए, मैंने सबसे पहले ब्राउन सियाना कलर दे दिया, उसके बाद धीरे धीरे येलो ऑकर, और उसके बाद येलो ऑकर के अंदर थोड़ा सा वाइट और येलो कलर मिलाऊँगा। तो ऐसे करके मैं धीरे धीरे जो गहना है ना, इसको मैं पेंट कर दूँगा। तो ये सब मैं कैसे करता हूँ, ये आप देखिए। तो आपने देखा कि मैंने ये सब कैसे किया, ज्वेलरी पेंट। तो इसके बाद आता है हमको जो बड़ा सा लायन है उसको पेंट करना। तो ये देखिए, सबसे पहले लायन का जो आंखें हैं उसको देखिए मैंने ब्लैक कलर से मार्क कर लिया, ठीक है। जैसे कि मैंने दुर्गा माता का जो फेस को पेंट किया, तो वैसे ही सबसे पहले मैंने आँख को मार्क कर लिया, एंड उसके बाद में बाकी लायन का जो फेस का जो कलर है उसको देखिए मैं कर रहा हूँ। तो आप सब ये जानते ही होंगे कि लायन का जो कलर है वो कैसा होता है, वो थोड़ा सा ब्राउन और जो येलो ऑकर कलर है उसका मिक्स्ड कलर होता है, ठीक है। लेकिन मैं ये जो लायन है ये थोड़ा डार्क कलर का पेंट करूँगा, ताकि दिखने में थोड़ा ख़तरनाक लगे। तो इसीलिए देखिए, मैं सबसे पहले अप्लाई कर रहा हूँ ब्राउन सियाना कलर, मतलब जहाँ पर डार्क पेंट होगा वहाँ पर। तो सबसे पहले मैं डार्क कलर से स्टार्ट करूँगा, डीप कलर से, उसके बाद में धीरे धीरे लाइट कलर की तरफ जाऊंगा, ठीक है। तो गाइस, यहाँ पर ब्लैक कलर भी मैं पेंट करूंगा, लेकिन वो मैं थोड़ा बाद में करूंगा। आपने ये देखा ही होगा कि शेर का जो आयल होता है, ठीक है, तो उसमें थोड़ा ब्लैक भी रहता है नीचे की तरफ, ये देखिए इस साइड पे, ठीक है। तो इधर मैं थोड़ा ब्लैक कलर से पेंट कर दिया, एंड उसके बाद शेर का जो मुँह के अंदर पूरा ब्लैक होगा, साइड में थोड़ा ब्लैक होगा, तो ये सब भी मैं बाद में पेंट करूँगा। एंड उसके बाद धीरे धीरे मैं लाइट कलर की तरफ जाऊंगा, ठीक है। तो दोस्तों, ये देखिए, अभी जितना भी डार्क कलर का काम था वो सब हो गया है। अब हमको धीरे धीरे लाइट कलर करना होगा, यानी कि शेर का जो फेस है, आयल है, इन सब को हाईलाइट करना होगा। तो ये देखिए, वही ब्राउन सियाना कलर और येलो ऑकर कलर, उसके अंदर मैं थोड़ा सा वाइट कलर मिला दिया और येलो कलर, तो इससे मैं पूरा शेर का जो फेस है, आयल है, इसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ। और दोस्तों, आपको थोड़ा लाइट का भी ध्यान रखना होगा कि लाइट किस तरफ से आ रही है। तो इस पेंटिंग में जो लाइट है वो बाएं तरफ से आ रही है, तो इसलिए मैं शेर का बाई साइड, मतलब शेर का डाई साइड है ये, हमारा तरफ से बाई साइड है ये, तो उस साइड में मैं थोड़ा हाईलाइट कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये देखिए, मैं शेर को मैंने पेंट कर दिया। दोस्तों, इससे पहले मैंने ना कभी भी इतना बड़ा शेर और ऐसा शेर मैंने कभी पेंट नहीं किया। टाइगर पेंट किया, लेकिन शेर कभी मैंने पेंट नहीं किया, तो इसलिए ये मेरा फर्स्ट टाइम है और मेरा एक नया एक्सपीरियंस हुआ शेर को पेंट करने का। मैं इस पेंटिंग से बहुत कुछ सीखा, एंड आई थिंक आप भी इस पेंटिंग से बहुत कुछ सीख रहे हैं, एंड जब ये वीडियो एंड होगा तब तक आप बहुत कुछ सीख भी जाएंगे। तो आप इस वीडियो को देखिए, सीखिए और अपने घर में भी प्रैक्टिस कीजिएगा, ओके। तो देखिए, अभी दुर्गा माता का सर के पीछे, फेस के पीछे मैं कुछ फ्लावर्स का पेंटिंग करूँगा, ठीक है। ये देखिए, माथे में फ्लावर्स का एक खोपा है, इसको कहते हैं।
तो इसको देखिए मैंने पेंट कर दिया, और गले में भी एक बड़ा सा ऐसे फ्लावर्स का एक माला पेंटिंग करूँगा। ठीक है, तो ये पेंट करने के बाद दुर्गा माता का जो पेंटिंग है वो देखने में बहुत ही अच्छा लगेगा। और अभी ये जो प्रोसेस चल रहा है इसको कहते हैं फिनिशिंग प्रोसेस, क्योंकि इस पॉइंट में आके ना आपको पेंटिंग में डिटेलिंग में ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है, तभी आपका पेंटिंग दिखने में अच्छा होगा। तो अभी ये सब मैं कर रहा हूँ इसको कहते हैं फिनिशिंग प्रोसेस, मतलब मैं यहाँ पे बहुत ही डिटेलिंग कर रहा हूँ, मतलब जो छोटा छोटा चीज़ें हैं उसको मैं ध्यान दे रहा हूँ। ठीक है, तो दोस्तों इस साइड पे मैं दुर्गा माता का जो त्रिशूल है उसको पेंट कर दिया। अब दोस्तों सामने मैं कुछ घास पेंट करूँगा, और घास का जो फ्लावर्स होता है जिसको कहते हैं काश फूल, उसको मैं भी थोड़ा पेंट करूँगा, ताकि ये पेंटिंग का जो थीम है ओवरऑल ये देखने में थोड़ा अच्छा लगे। तो इसके बाद ही हमारा पेंटिंग हो जाएगा कम्प्लीट। तो दोस्तों अब चलिए उस सवाल पर जाते हैं जो मैंने आपसे पूछा था वीडियो के पहले, कि ये जो पेंटिंग मैंने बनाया इसको बनाने में मेरे को कितने टाइम लग गया। तो आंसर है कि इस पेंटिंग को बनाने में मेरे को टोटल 14 आवर्स यानी कि 14 घंटे का टाइम लगा। एक दिन में मैं लगभग 7 घंटे काम किया, तो मेरा 2 दिन लग गया इस पेंटिंग को बनाने में, तो इसलिए टोटल 14 घंटे का टाइम लगा। सो दोस्तों ये देखिए अभी लायन का फिनिशिंग प्रोसेस चल रहा है और ये ख़त्म भी हो गया। तो इसी के साथ हमारा जो पेंटिंग है वो हो जाता है पूरा कम्प्लीट। सो गाइस कैसा लगा आप लोगों को आज की ये पेंटिंग, ये प्लीज़ आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, और इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, और अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए। सो गाइस थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं आप लोगों से एक और नया पेंटिंग वीडियो में, तब तक के लिए बाय।